हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका हमारे न्यू वीडियो में। आज का जो अपडेट है, आज का जो इन्फॉर्मेशन है केदारनाथ ट्रैक को लेकर है, हम आपको संपूर्ण इस रास्ते की जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। प्लीज हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और वीडियो ज्यादा ही अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। जेपी ब्लॉग आई शुरू करते हैं अपनी यात्रा। दोस्तों, हम निकले हुए हैं केदारनाथ ट्रैक पर और ये संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। कहीं से रास्ता टूट रहा है, खराब है, सब आज हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले। बाहर बारिश ज्यादा है तो इसलिए हम इस टीन शेड के नीचे रुक चुके हैं। दोस्तों, ऐसे टीन शेडों का बहुत फायदा है इस ट्रैक पर चलने पर। जगह जगह आपको टीन शेड मिल जाएंगे और आपको बारिश से आपकी बचाव होगी। अगर रास्ते में आपको कहीं स्नोफॉल होता मिल दिख जाता है तो भी आप इन टीन शेड के नीचे रुक सकते हैं। और ये पहला पॉइंट ये है, यहाँ पर जो रोड के सारे जितने भी ग्रिल बनी हुई है इनसे कृपया करके दूर रहें। पर आप उनके साथ चलते हैं तो आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। और जो रास्ते में पड़ने वाले बड़े बड़े वाटरफॉल हैं इनसे भी काफ़ी दूरी बनाए रखें। इनके साथ मलबा और बड़े पत्थर इनके साथ आ सकते हैं। और मौसम का यहाँ का ये हाल है, यहाँ पर आप अगर मई जून में भी आते हैं तो भी आपको यहाँ पर बारिश का मौसम का सामना करना पड़ सकता है। और अब हम भी यहाँ पर आए हैं तो हमें भी यहाँ पर बारिश का सामना करना पड़ रहा है। मौसम यहाँ पर कभी भी ख़राब हो सकता है। सितंबर में जाएंगे, अक्टूबर में जाएंगे, नवंबर में जाएंगे तो यहाँ पर हमें मौसम साफ मिलेगा। यहाँ पर कभी भी मौसम बदल सकता है। इस ट्रैक को पैदल चलकर कितने समय में आप पूरा कर सकते हैं? यह ट्रैक 5 से 7 घंटे में आप पैदल चलकर पूरा कर सकते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। और यहाँ मैं बता दूँ आपको ये भी कि यहाँ पर आपको अपने साथ पानी लेके आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अनगिनत वाटरफॉल हैं जहाँ से आप कहीं से शुद्ध पानी भरकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। यहाँ सामने लिखा हुआ है तीर्थ यात्रा का आनंद पैदल यात्रा में है। धीरे धीरे प्रकृति का आनंद लेते हुए चलें। हम पहुँच चुके हैं भैरव मंदिर चीरवासा। ऐसे खूबसूरत आप रास्ते में आप मंदिर दिखते हैं तो उनका आप दर्शन करें। और ये देख सकते हैं सामने कितना प्यारा वाटरफॉल है। इन सबके दर्शन करते हुए, प्रकृति का आनंद लेते हुए आप यह ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर बाहर के जितने भी यात्री आते हैं सब इस ट्रैक को देखकर यही कहते हैं कि हमने बहुत यात्राएं की हैं पर ऐसी यात्रा हमने आज तक नहीं की। इतना सुंदर ट्रैक हमने आज तक नहीं देखा जिस पर हजारों वाटरफॉल देखने को मिलते हैं और फुल मज़ा और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके उनकी जीवन सफल हो जाता है। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से अब केदारनाथ मंदिर। और यहाँ देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है, यहाँ से कितना प्यारा व्यू है। और वो देखिए पहाड़ों की गुफाओं से, पहाड़ों की गुफाओं से निकलता हुआ वाटरफॉल। और ये हमारे इस रोड पर सबसे बड़ा वाटरफॉल हमें देखने को मिला जो आप ये देख रहे हैं। कृपया करके ऐसे वाटरफॉलों से आप दूरी बनाए रखें। ये वाटरफॉल कभी भी बड़े बड़े पत्थर ला सकते हैं और आपको बहाकर ले जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। गौरीकुंड से लेकर मंदिर तक का ट्रैक कैसा है, कहीं रास्ता टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं ख़राब तो नहीं है, ये फुल जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और यहाँ से देखो आप, बारिश रुक चुकी है। बारिश रुकते ही कितना प्यारा नज़ारा है, जगह जगह आपको यहाँ पर वाटरफॉल के नज़ारे देखने को मिलते रहेंगे इस ट्रैक पर। दोस्तों, दुनिया का सबसे खूबसूरत ट्रैक आपके लिए तैयार है। इस ट्रैक पर आने पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी और आप अपने घर से अपना बैग पैक कीजिए और दर्शन के लिए आइए बाबा केदारनाथ के। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से ट्रैक ख़राब है, पर जब तक आप यहाँ अपने घर से यात्रा करने के लिए निकलेंगे तब तक यह ट्रैक सही हो जाएगा। दोस्तों, इन दिल छू लेने वाले नज़ारों को देखते हुए हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ मंदिर पर। शाम को 6 बजे मंदिर पर पहुँचे हैं, हम आरती में शामिल हुए और बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पहुँच कर। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।